हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शिप्रा वर्ल्ड यानी कि शिप्रा की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। और यहाँ पर मैं साबूदाना को भिगो रही हूँ क्योंकि आज है मेरा पूर्णिमा का फास्ट और अभी 9:30 बजे होंगे तो बस साबूदाना भिगो के रख दूंगी तो 12:30 एक बजे के आसपास मुझे इन्हें बनाना है। तो यहाँ पर अभी टाइम हो चुका है 12:30 का और सबका लंच वगैरह हो गया था तो अब मैं बना रही हूँ अपनी साबूदाना की खिचड़ी। तो मैंने घी गरम कर लिया है, उसमें मैंने राई डाल दिया है, जीरा मैं खा लेती हूँ व्रत में, जीरा वगैरह, आलू मैंने डाल दिए हैं, साबूदाना में से सारा पानी निकाल दिया है। वैसे भी फूल जाते हैं और थोड़ा बहुत जो भी होता है मैं पानी उसका पूरा निकाल देती हूँ। और यहाँ पर आलू फ्राई कर रही हूँ और मूंगफली भी फ्राई कर लूँगी, साथ के साथ ही सबको ही बनानी आती है, बस आप लोगों से शेयर कर देती हूँ जो भी बनाती हूँ ना, रूटीन शेयर करती हूँ तो जो कुछ भी बनाती हूँ आप लोगों से शेयर कर देती हूँ। तो यहाँ पर मिर्ची और नमक भी मैं ऐड कर दूंगी और मैं नॉर्मल जो व्रत होते हैं ना उसमें नमक वगैरह खा लेती हूँ क्योंकि भगवान श्रद्धा के भूखे होते हैं, मेरा ऐसा मानना है। तो मैं ज़्यादा नियम वगैरह नहीं मानती हूँ, बस व्रत कर लेती हूँ, मन से व्रत करती हूँ तो भगवान भी श्रद्धा देखते हैं हम लोगों की। तो मैंने नमक और मिर्ची ऐड कर दिया है इसमें और यहाँ पर बस साबूदाना की जो खिचड़ी है वो रेडी हो चुकी है। देखिए कितनी बढ़िया खिली खिली खिचड़ी बनी है ना, भिगो के और इसे थोड़ा सा थोड़ी 10 मिनट के लिए और रख देना हम पानी निकालने के लिए तो खिली खिली खिचड़ी बनती है। उसके बाद मैंने खिचड़ी खा ली थी, हस्बैंड ने खाना खा लिया था क्योंकि मैं और हस्बैंड ही बचे थे, अथक और पापा जी को मैंने खाना खिला दिया था। और फिर मैं यहाँ पर आ गई हूँ रूम सेट करने के लिए, हस्बैंड वाला रूम है ये स्टडी रूम, क्योंकि ये क्लास लेते हैं तो अपसेट सा हो जाता है, 2 बजे तक क्लास चलती रहती है इनकी, 2:15 तक। तो जैसे ही ये उस रूम में आते हैं, बेडरूम में आते हैं रेस्ट करने के लिए, तो उस टाइम मैं फिर इस रूम को सेट करने के लिए आ जाती हूँ। और बस रूम सेट हो गया है तो बस इसका गेट भी लगा दूंगी, पर्दा लगा दूंगी और उसके बाद मैं भी चाय वगैरह का काम देखूंगी अभी जा करके। गुड आफ्टरनून, और अभी दोपहर के बज चुके हैं 2:30 और आज मैंने मॉर्निंग से ना व्लॉग स्टार्ट नहीं किया था, अभी थोड़ी देर पहले 1 बजे के आसपास मैंने 12:30 बजे के आसपास वो खिचड़ी बनाई क्योंकि मेरा फास्ट है साबूदाना खिचड़ी। और फिर ये बीच में थोड़ा सा इनका ब्रेक था 15 मिनट का, तो इन्होंने खाना खाया, मैंने खिचड़ी खाई और अब इनकी क्लास से ये फ्री हो चुके हैं। तो ये रूम मैं सेट कर रही थी क्योंकि ये रूम अब सेट हो जाता है 10:00 बजे से लेके और 2:15 बजे तक इनकी क्लासेस रहती हैं, तो ये यहीं बैठे रहते हैं। ये जो इनकी टेबल वगैरह है, स्टडी टेबल वगैरह, ये सब अब सेट हो जाता है, तो इन सब चीज़ों को सेट करके इस टाइम और मैं चाय बनाती हूँ क्योंकि इनका भी सर दुखने लग जाता है इतनी क्लासेस लगातार लेते हैं तो। और वैसे भी 2:30 बज जाते हैं, 2:30-3 के आसपास, तो फिर चाय का टाइम हो ही जाता है, तो मैं इस टाइम चाय चढ़ा देती हूँ। तो अभी मेरी किचन में चाय भी चढ़ी हुई है साथ में और यहाँ पर मैं रूम सेट कर रही थी। तो चलिए पहले चाय वगैरह बना लेती हूँ और उसके बाद मैं आप लोगों से मिलूंगी क्योंकि आज ना व्लॉग भी लेट हो चुका है, आज जल्दी जल्दी खाने की तैयारी भी करनी पड़ेगी क्योंकि आज मेरा फास्ट है तो मुझे खाना भी बनाना है और जल्दी फास्ट को खोलना भी है इवनिंग टाइम में। तो सोचूं कि क्या बनाना है, दाल चावल बनाऊंगी और पनीर की सब्जी और रोटी, ये सब कुछ सोच रखा है क्योंकि पनीर का लेके आए थे तो आज शाम को बना लूंगी, व्रत शाम को ही खोलूंगी तो आज ही बना लूंगी शाम को। तो चलिए पहले चाय बना लेती हूँ फिर मिलती हूँ आप लोगों से। तो यहाँ पर मैंने चाय चढ़ा दी है, दूध ऑलरेडी मैं गैस पे चढ़ा के ही आई थी जब मैं रूम सेट कर रही थी ना, तो अब बस चाय की पत्ती डालनी है, चीनी डालनी है, थोड़ा सा दूध गर्म हो जाता है ना क्योंकि सुबह का दूध होता है, तो उसे थोड़ा सा मैं गैस पे चढ़ा देती हूँ, उसके बाद थोड़ा सा उसमें उबाल आता है ना, फिर चाय वगैरह, चाय पत्ती चीनी वगैरह डालती हूँ तो काफ़ी अच्छी चाय बनती है उससे। और साथ के साथ किचन भी थोड़ी सी साफ़ कर दूँगी क्योंकि किचन मैंने प्रॉपर साफ़ नहीं की थी, खिचड़ी वगैरह खाई ना, तो मैंने कहा चलो रूम वगैरह सेट कर दूँगी, तो अब साथ के साथ ही उसके बाद सेट कर दूँगी किचन को भी। और यहाँ पर बस बॉटल्स वगैरह मैं फिल कर रही हूँ, पानी की जो बॉटल्स हैं सबके, सबको ही पता है कि बॉटल्स कितनी ज़्यादा हो जाती हैं और घर में पीने वाले इतने होते हैं, भरने वाले हम एक ही होते हैं। उसके बाद यहाँ पर बर्तन वगैरह साफ़ किए थे तो मैं सेट कर रही थी कप वगैरह सारे, क्योंकि फैली फैली किचन ना, बिखरी बिखरी किचन मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है, तो मैं जैसे ही बर्तनों का पानी वगैरह निकल जाता है ना तो उन्हें फटाफट से सेट कर देती हूँ क्योंकि वैसे भी किचन छोटी है तो सेट करना ज़रूरी है। उसके बाद शाम का टाइम हो चुका है यहाँ पर और मैं कपड़े वगैरह समेटने के लिए यहाँ से हटा रही हूँ क्योंकि कपड़े सूख चुके थे, तो मैंने कहा चलो वैसे भी 5:30 तक कपड़े हटाने होते हैं, समेटने होते हैं। और यहाँ पर अब बस डिनर की प्रिपरेशन करने के लिए आ गई हूँ क्योंकि 5:30 के लगभग का टाइम हो चुका है। तो मैंने आपको बताया था ना पनीर की सब्जी बनाऊंगी, तो पनीर कट कर रही हूँ, टमाटर मैंने कट कर लिए हैं और पनीर थोड़ा सा टाइट हो गया है आज क्योंकि इन्होंने फ्रीजर में रख दिया था, तो थोड़ा सा मुझे काटने में परेशानी हो रही थी, तो पनीर की
सब्जी बनाऊंगी, दाल बनाऊंगी और रोटी बनाऊंगी। चावल पहले मैंने सोचा था बट फिर मैंने कहा चलो छोड़ो चावल नहीं बनाती। तो यहाँ पर पनीर वगैरह कट कर लिए हैं और इसके बाद मेरा पनीर की सब्जी मेरी बन चुकी है और दाल में मैं यहाँ पर तड़का लगा रही हूँ। आज मैंने कोई भी रेसिपी नहीं दी है पनीर की सब्जी, क्योंकि सेम मैं जैसे बनाती हूँ वैसे ही बनाती हूँ, आप लोगों को पता है। तो बस यहाँ पर तड़के की तैयारी कर रही हूँ, दाल बन चुकी है उसमें तड़का लगा दूंगी और फिर रोटियाँ सेकना बाकी हैं। तो बस रोटी सेक के फटाफट फटाफट सबको खिला दूंगी, फिर मैं भी खा लूंगी। पहले अथक को और बाबा जी को खिला दूंगी, फिर मैं भी खा लूंगी, ये खा लेंगे तो हम दोनों तो साथ में ही खाते हैं सेम ही टाइम में। तो ये दाल भी तैयार हो गई, पनीर की सब्जी देखिए मेरी रेडी है, दाल भी गर्मा गर्म रेडी है और आटा मैंने लगा रखा है। तो रोटियाँ फटाफट सेक लेती हूँ, फिर मिलूंगी आप लोगों से खाना वाना खाने के बाद। फ्रेंड्स अभी डिनर वगैरह हमारा सब हो चुका है, फ्री हो चुके हैं डिनर से। किचन मैंने क्लीन कर लिया है, बर्तन भी मैंने धो लिए हैं सारे, कुछ बर्तन जगह पे भी लगा दिए हैं, कुछ जो पानी निकलने वाले बर्तन है वो रख दिए, बस एक ओनली कुकर रखा है, वो आज दाल बहुत ज़्यादा चिपक गई है इसमें तो उसे भिगोने के लिए रखा है, तो मॉर्निंग में ईजीली ये साफ हो जाएगा। और अब मैं थोड़ी देर बैठूंगी और आप लोगों से करूँगी बातें, तो चलिए परमानेंट जगह पर चलती हूँ और फिर आपसे बात करती हूँ। तो आ गई हूँ अपनी परमानेंट जगह पर और बहुत ज़्यादा थक गई हूँ अब, और अभी बाल भी थोड़े मैंने ओपन किए हैं क्योंकि सर दुखने लग जाता है बन बनाने से भी ना, लेकिन काम करते हैं ना तो बन बनाना ही पड़ता है, गर्मी लगने लगती है किचन में, तो मैं बन बना लेती हूँ किचन में, तो फिर बाद में फिर भी ओपन कर लेती हूँ। बट बहुत इस बार तो मुझे घमोरियाँ भी हुई है, इस बार इतनी घमोरियाँ हुई ना मुझे गर्मी की वजह से, तो बड़ी परेशानी हुई। और अभी मैं फ्री हो चुकी हूँ और सारा दिन इतना काम रहता है ना कि फुर्सत ही नहीं मिलती है अपने लिए बात करने के लिए, आप लोगों से काम ही काम में बिजी रहती हूँ। और आज तो मॉर्निंग से मैंने ब्लॉग भी स्टार्ट नहीं किया था क्योंकि मेरा व्रत था, आज पूर्णिमा का व्रत करती हूँ ना मैं, तो व्रत था तो मैंने कहा चलो बाद में ब्लॉग स्टार्ट करूँगी क्योंकि सब लोगों के खाने वगैरह का भी काम रहता है ना, तो मैंने कहा चलो एक बार काम से फ्री हो जाती हूँ फिर मैं अपनी खिचड़ी वगैरह बनाऊँगी साबुदाना की, तो मैंने सोचा चलो काम कर लूँगी। तो सारा दिन काम ही काम में निकल जाता है और हमारा मेरा क्या सबका ही काम में निकल जाता है, सारी हाउस वाइफ्स का ही यही रूटीन रहता है। मैं कुछ नया शेयर नहीं करती हूँ आप लोगों से, जो हम सबका रूटीन होता है सेम ही होता है, आपका मेरा सबका सेम रूटीन होता है, और फिर भी हम काम भी करते रहते हैं, थक भी जाते हैं, फिर भी चेहरे पे सभी के मैं देखती हूँ, सभी हाउसवाइफ्स हुई चाहे वर्किंग लेडी भी हुई, तो सभी के चेहरे पे शिकन नहीं होती, एक भी जरा सी भी शिकन देखने को नहीं मिलती। तो ये मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ी बात होती है मतलब लेडीज लोग की, कि घर की जिम्मेदारी इतनी बड़ी मतलब इतनी सारी जिम्मेदारियाँ निभाते हुए भी, घर का सारा काम करते हुए, सबकी पसंद नापसंद का ख्याल रखते हुए भी, मतलब औरत के चेहरे पर शिकन तक नहीं होती, वो खुशी खुशी अपना काम करती रहती है। तो यही तो एक बात होती है जो एक औरत को मतलब सबसे अलग बनाती है, सबसे हटकर बनाती है। तो मैं अपनी तारीफ नहीं करी, मैं सबकी ही तारीफ कर रही हूँ यहाँ पर, और पूरा ही दिन मतलब हम सबका ही निकल जाता है। मैंने मम्मी को भी देखा है ऐसे ही, अपनी मामियों को देखा है, सबको ऐसे काम करते देखा है, हंसते मुस्कुराते हुए काम करते हुए देखा है, तो सभी का मेरे मतलब मैं सबको मतलब सैल्यूट करना चाहिए मतलब एक लेडी को, कि वो अकेले मतलब इतनी घर परिवार को संभाल लेती है, और वही लेडी अगर थोड़ा सा भी बीमार पड़ जाए ना तो चार जने भी एक घर को नहीं संभाल सकते हैं। तो ये देखिए यही तो एक लेडी की पावर होती है। तो बस अभी मैं बैठी थी और अब तो आज तो कमर में भी दर्द होने लगा, तो मैंने सोचा चलो बैठकर थोड़ी सी आप लोगों से बात भी कर लूंगी और ब्लॉग को भी एंड कर दूंगी। और ब्लॉग आप लोगों को कैसे लग रहे हैं मुझे जरूर बताइएगा। मेरे पास बहुत से नए मेंबर्स के भी कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत खुशी मिलती है, पुराने मेंबर्स तो मुझे अपना प्यार दे ही रहे हैं लगातार शुरू से, और जल्द ही 5K फैमिली भी हमारी कंप्लीट होने वाली है, तो फटाफट से 5K फैमिली भी आप लोग कंप्लीट करवा दीजिए और मतलब 5K के हिसाब से व्यूज भी तो आए तो तब मजा आए असली। तो बस अब 5K होने वाले हैं थोड़े टाइम में, मैं जल्दी आपको ये भी खुशखबरी दूंगी 5K जब हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स इस ब्लॉग को मैं सोची यहीं पे एंड कर देती हूँ और फिर अच्छे से ब्लॉग के साथ मिलेंगे। आज तो मैं बहुत थक भी गई हूँ, आप लोग मेरे चेहरे से भी अंदाजा लगा सकते होंगे क्योंकि फास्ट होता है ना, तो 1-1.5 बजे तक तो मैं कुछ भी नहीं लेती हूँ, ओनली चाय ली थी मैंने, 1.5 बजे तक मैंने कुछ भी नहीं 1-1.5 बजे तक कुछ भी नहीं खाया पिया था, चाय के अलावा चाय ली थी बस, और फिर मैं काम ही करती रहती हूँ, 1-1.5 बजे के आसपास खाती हूँ, फिर शाम को अभी सारा सबको खिला के फिर ही खाना होता है। अथक को खिलाया, पापा जी को खिलाया, फिर हम दोनों ने खाया, हस्बैंड ने और मैंने, तो ऐसे करके 8:30 तो बज ही जाते हैं व्रत खोलते खोलते। वैसे तो जल्दी खोल लेना चाहिए पर फिर भी काम से फ्री नहीं हो पाती, तो 8:30 बज जाते हैं व्रत खोलते खोलते भी। तो चलिए फ्रेंड्स इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।